वक्त हम पेन महसूस कर रहे हैं अपने दिलों के अंदर. बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ क्रिकेट एनालिस्ट, मुझे आज शर्म आ रही है. यकीन जाने कि हम ये हैं. फील्डिंग नकारा थी, टैक्टिक्स बेकार थे, बॉलिंग बेकार थी, बॉडी लैंग्वेज तो थी नहीं. ये मैंने इतनी घबराई हुई टीम जो है ना कभी नहीं देखी मैच से पहले. मतलब कौन है ये चैंपियन यार? ये क्यों मारता है हर दफा मैच के नाम है? ये कहीं और मारता है क्या? ये इसने जनाजा उठा दिया हमारा यार, पूरी मतलब क्रिकेट खत्म कर दी इसने. सी डी ई एफ, न्यूजीलैंड की सी टीम कहिए, डी की टीम कहिए, जो भी आप कह लीजिए, न्यूजीलैंड के बच्चों ने पाकिस्तान के बाबों को शर्मनाक शिकस्त दे दी है. मार्क चैपमैन ने आज पाकिस्तान को मिरर दिखा दिया, शीशा दिखा दिया. ये देखो शीशे में अपनी शक्ल देखो, अपनी वर्ल्ड क्लास की नारे देखो. न्यूजीलैंड के बच्चों ने हमारा बजा के रख दिया घंटा, ठोक दिया हमारे कप्ताना, हमारे किंग, हमारे बॉब्जी, हमारे दिलों के बादशाह, उसका घंटा बजा के रख दिया. और मैच के दौरान क्योंकि आपको अंदाजा होता है ना, जब आप बाउंड्री लाइन पे देख रहे होते हैं उनके चेहरे, इस हार से एक तो आई ओपनर है, दूसरा इससे फिर से ये पता चलता है कि हम बहुत ही पीछे रह गए हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर. न्यूजीलैंड के बच्चों ने आपके शहीन को मारा है, आपके नसीम शाह को मारा है, आपके शाह को मारा है, आपकी मेन 11 को न्यूजीलैंड की बच्चा 11 ने घुसा दिया पकड़ के. शर्मनाक शिकस्त, शेमफुल डिफीट. पाकिस्तान के पास नाम बड़े और दर्शन छोटे. जी हाँ, बड़े बड़े नाम, स्ट्राइक रेट 127, बड़े बड़े नाम, स्ट्राइक रेट 130. इसका घंटा बच के रह गया यार न्यूजीलैंड के बच्चों के हाथों. यार जो भी न्यूजीलैंड के स्कूल कॉलेजों से निकले होंगे, डेब्यू कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टेज पे, उनका कोई नाम नहीं है यार. हार जीत तो खेल में होती है, लेकिन किस तरह हारे हैं, किससे हार रहे हैं, ये चीज देख के बहुत तकलीफ होती है. और ये है T20 क्रिकेट जो आज मार्क चैपमैन ने पाकिस्तान को खेल के दिखाई. और बच्चा 11 ने घुसाया नहीं है, उनके बैट्समैन ने तो मारा ही मारा. मार्क चैपमैन ने घुसा के ली है आपकी. उसके आगे तुम लोगों का 127 की लानत, 127 के स्ट्राइक रेट की लानत, तुम लोगों का डोमिनेट और नंबर वन और किंग और बब्जी और सतारा इम्तियाज और तमय इम्तियाज और जरूरत और विकेट नहीं मिलेंगी, आप कैसे जीत सकते हैं जी. तो ये एक टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एवरेज किस्म की परफॉर्मेंस थी ये, और आप जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर लेते आई थिंक जायज है. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. आप लोगों का स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज रिएक्शन के एक और नए वीडियो में. दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों से बताया था कि न्यूजीलैंड ने जो टीम पाकिस्तान खेलने के लिए भेजी है उसे पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने हमें डी टीम चिपका दिया है, इस टीम के साथ खेलने से अच्छा है कि हम इस सीरीज को ही ना खेलें या फिर जिम्बाब्वे से सीरीज करा लें. लेकिन दोस्तों वही न्यूजीलैंड की टीम ने अब पाकिस्तान के टीम को बहुत ही बुरी तरीके से 7 विकेट से शिकस्त दी है, जिसको देखने के बाद पाकिस्तानियों को बिल्कुल सदमा सा लगा हुआ है. किसी भी पाकिस्तानी को ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान की टीम हार गई है. मैं तो इनको पहले से कह कह के थक गया हूं कि इनके पास कोई भी अच्छे खिलाड़ी नहीं है, एक क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम पर सिर्फ गधे पाल रखे हैं जो हमेशा भिन्न भिन्न किया करते हैं, बाकी इनके अंदर तो कोई टैलेंट है ही नहीं. अब इससे तो आप लोग साफ पता लगा सकते हैं कि एक तरफ कहाँ पाकिस्तान की मेन टीम और एक तरफ कहाँ न्यूजीलैंड की डी टीम कही है, सी टीम कही है या कोई भी टीम कही है, क्योंकि उसमें कोई भी इंटरनेशनल खेलने वाले खिलाड़ी नहीं दिख रहे हैं. लेकिन फिर भी उस पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड के इस बच्ची टीम के सामने शिकस्त खाई है. पाकिस्तान की हार को देखने के बाद रमीज राजा का कहना है कि पाकिस्तान कहीं भी मैच में दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जब पाकिस्तान के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे तब भी उनके चेहरे पर शिकन दिखाई दे रही थी, और गेंदबाजी की क्या बात किया जाए, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने तो इनकी धज्जियां उड़ा दी. तो चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में और क्या कहना है पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्टों का. ये बदतमीज लड़के हैं, ये न्यूजीलैंड के ये जो छोटे वाले लड़के हैं ये बदतमीज हैं, ये रेपुटेशन का ख्याल नहीं करते. ये मतलब ICC मतलब कौन है, बाबर आजम को हरा रहे हैं यार, ये शर्म नहीं आ रही इन्हें. बाबर और रिजवान वर्ल्ड क्लास, 52 गेंदों पर 59 रन किए दोनों ने मिलके, 52 गेंदों पर 59 रन दोनों ने मिलके. ओ माय गॉड, न्यूजीलैंड सी टीम बम्बूजल्ड पाकिस्तान, शॉक्ड पाकिस्तान. ये वो
पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जिसके बारे में हम कह रहे थे कि ये बॉलिंग अटैक पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा देगा, वो बॉलिंग अटैक आज उसको शॉक किया। मार्क चैपमैन ने आज पाकिस्तान को मिरर दिखा दिया, शीशा दिखा दिया। ये देखो शीशे में अपनी शक्ल देखो, अपनी वर्ल्ड क्लास की नारे देखो, अपने वर्ल्ड क्लास के टैग्स देखो, जितने तुम लोग वर्ल्ड क्लास ब्रिगेड के मर्चेंट्स बन के बैठते हो, ये देखो ये हम न्यूजीलैंड हर साल आते हैं, हर साल अपनी बेंच को लेकर आते हैं, अपने बड़े लड़कों को आईपीएल में छोड़कर आते हैं और तब भी तुम लोग को हरा के जाते हैं। जो के कहते थे मुझे बाबर आजम के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता, भाई तुम वर्ल्ड नंबर टू हो, कोहली से कंपेरिजन करते थे वो उनका। ये बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं और अब फिर डीएनए ऑल्टरेशन है। फिर से मैं कहता हूँ, आप लेके आए सायम अय्यूब को, आप लेके आए यू नो हारिस के ऊपर काम करें जो कीपर बैट्समैन है, आप तीन चार और नए लड़कों को लेके आए, ब्रांड न्यू टीम बनाया ना, स्लॉग स्वीप आती है ना रिवर्स स्वीप आती है, पता नहीं ये वो वाली बेसिक बैटिंग अंडर 19 वाली होती है, पूरी बॉल कराओगे तो चौका मारोगे। प्लेयर्स ने इतना बुरा परफॉर्म किया, महान जिस तरह बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग की है, ऐसा लग रहा था कि सामने जो है वो कोई तेज तर्रार ऑस्ट्रेलिया के बोलर्स हैं जिनके सामने हिला नहीं जा रहा, टांगे नहीं हिल रही, स्ट्राइक रेट डिबेट घूम के फिर वहीं आके पड़ गई वो स्ट्राइक रेट डिबेट। पीएसएल में बढ़ाऊंगा मैं अपना स्ट्राइक रेट, मगर नहीं बढ़ाऊंगा तो अभी नहीं बढ़ाऊंगा जब पाकिस्तान से खेलूंगा। तो आई एम सॉरी टू से, खैर पीएसएल में रिजवान ने तो स्ट्राइक रेट बढ़ाया भी नहीं था, तो यस इस वक्त तो यही है कि आपने इतने रन ही पुट अप नहीं किए थे कि आप उतनी फाइट बैक दिखा। पाकिस्तान की बॉलिंग को शॉक करके रख दिया, पाकिस्तान के कप्तान को शॉक करके रख दिया, पाकिस्तान को एक ऐसा झटका दिया जो मेरे ख्याल में शायद बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। बहुत ऊंची हवाओं में उड़ने लगे थे हमारे जो बड़े थे ना, हमारी टीम के बाबे, वो बहुत ऊंची हवाओं में उड़ने लगे थे, उन्होंने लाइट ले लिया था इस मामले को। ये न्यूजीलैंड है प्यारे, ये न्यूजीलैंड की वो टीम है कि जहां पे सिफारिश नहीं चलती, जहां पे रिश्तेदारियां नहीं चलती, जहां पे पसंद नापसंद नहीं चलती, जहां पे दोस्ती यारी 11 नहीं चलती। चेयरमैन का पता है कौन है ये? है कौन ये? इसने जनाजा उठा दिया हमारा यार, पूरी मतलब क्रिकेट खत्म कर दी इसने, सी डी ई एफ। अब किससे हारना रह गया है? पूछू मैं कौन है? नहीं अभी एक आदमी, अभी एक आदमी जो है वो अभी अभी कप्तान बना है। नहीं एक आदमी अभी अभी कप्तान बना है यार, अभी वो सीखेगा नहीं, पहले 4 साल उसने सीखा, उसे आपने 1 महीने कप्तानी से हटाया, अब वो दोबारा कप्तान बना है तो सीखेगा ना वो। क्या बोले आदमी? दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने अपने ही पाकिस्तानी टीम की किस तरीके से मजाक उड़ाई है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये खिलाड़ी बिल्कुल गधे हैं, ये सिर्फ खाना जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते। इनसे अच्छे यदि देखा जाए तो गधे होते हैं जो कुछ काम कर तो देते हैं, लेकिन ये तो किसी काम के भी नहीं है। ये एक बच्चे जैसी टीम के सामने हार गए तो इनका वर्ल्ड कप में क्या होगा। दोस्तों अगर इस पाकिस्तानी टीम की बात किया जाए तो इन्होंने बिल्कुल अपनी मेन टीम उतारी है और इसी के साथ साथ इन्होंने मोहम्मद आमिर जैसे खिलाड़ियों की भी इन बच्चों के सामने वापसी कराई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड जैसी टीम से हार गई है, तो ऐसे में तो पाकिस्तानियों को सदमा लगना जायज है। दोस्तों अगर इस मैच के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए, जिसमें शादाब खान ने सबसे ज्यादा रन बनाए जिन्होंने 20 गेंदों में 41 रन की पारी खेली। वहीं पर बाबर आजम ने 29 गेंदों में 37 रन की पारी खेली जिसका स्ट्राइक रेट 127 का रहा, जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने उसके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाया और बताया कि इस स्ट्राइक रेट से कौन T20 क्रिकेट खेलता है। हम लोग बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से करते हैं, लेकिन देख लो विराट कोहली IPL में 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और एक हमारा घंटा है जो बच्चों के सामने 127 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। कितना फर्क है बाबर आजम और विराट कोहली में। दोस्तों जब पाकिस्तान के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनको देखने में ऐसा
ऐसा लग रहा था कि वे बच्चे को सामने भी खेलने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए तो इनके बुड्ढू बॉलरों को बहुत ही बुरी तरीके से रेला। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के चेहरे पर कहीं भी शिकन देखने को नहीं मिली। यदि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के व्यक्तिगत स्कोर के बारे में बात किया जाए तो टीम रॉबसन ने 19 गेंद में 28 रन बनाए, टीम सेफर्ट ने 16 गेंद में 21 रन की पारी खेली, वहीं पर फॉक्सक्राफ्ट ने 29 गेंद में 31 रन बनाए। और एक छोर से तो मार्क चैपमैन ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 42 गेंदों में 87 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 9 चौके शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 207 रनों का था। पाकिस्तानियों को घंटा बाबर आजम को बताना चाहिए कि ऐसी एक स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की जाती ना कि 127 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो दोस्तों कुल मिलाकर तीसरे T20 में न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान के बुड्ढों को टीम को बिल्कुल रेल कर रख दिया है और उनके पास कोई भी शब्द नहीं बचा है बोलने के लिए। दोस्तों आप लोगों का न्यूजीलैंड के टीम के परफॉर्मेंस के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।